24 घंटे के अंदर ईरान खुद को परमाणु पावर घोषित करेगा या 24 घंटे के अंदर इजराइल करेगा ईरान पर हमला, घड़ी टिक टिक करने लगी है। 24 घंटों के अंदर ईरान बन जाएगा न्यूक्लियर पावर या 24 घंटों के अंदर इजराइल दिखाएगा अपनी अटैक पावर, दोनों के पास हैं 24 घंटे जो इस बात को फाइनल कर देंगे कि अब विश्व युद्ध होगा या फिर परमाणु युद्ध। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल की तरफ से ईरान के जिन ठिकानों को टारगेट बनाने की तैयारी की गई है उसमें ईरान के परमाणु अड्डे भी हो सकते हैं। इजराइल के अखबार हारेट्स में खबर छपी है कि नेतन्याहू जवाबी हमले को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ मौके की शक्ल में देख रहे हैं और इससे अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है। ईरान और इजराइल की टक्कर में पूरी दुनिया फंस चुकी है और अब एक फैसला इस युद्ध को एक झटके में अंजाम तक पहुंचा सकता है, लेकिन वो फैसला ऐसा होगा जिसमें पूरी दुनिया के जल जाने का खतरा है। اسلام ایران خواهان تنش افزایش تنش نیست خواهان جنگ نیست اگرچه ما از جنگ نمی ترسیم همه جور آمادگی کامل داریم اگر می خواهند اراده ما رو امتحان بکنند همونطور که اینجا عرض کردم میتونن این کار رو انجام بدن 1 اکتبر کو ایران نے اسرائیل پر 200 بلسٹک میسائلوں سے حملہ کیا 4 اکتوبر کو ایران کے سپریم لیڈر نے جمعے کی نماز پڑھا کر بتا دیا کہ ایران اسرائیل کے جوابی حملے پر پھر سے تل ابیب کو جھکجھوڑنے کے لیے تیار ہے सवाल है कि इजराइल का जवाबी हमला कब होगा और ईरान इसका कैसे जवाब देगा। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले की बात की चिंता सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ऐसा होने के बाद दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी हो जाएगी। इजराइल ने कहा है कि वो पूरी ताकत से ईरान पर हमला करेगा, तो ईरान ने भी हुंकार भरी है कि उसके जवाबी हमले में इजराइल तबाह हो जाएगा। तो क्या दुनिया एक परमाणु युद्ध देखने के लिए तैयार है, क्योंकि सबकी चिंता इसी बात को लेकर के है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पिछले 20 सालों से काफी सीक्रेट रहा है और अमेरिका भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाया। हालांकि 2023 में अमेरिका की न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान ने अपना एक परमाणु प्लांट जमीन के इतने अंदर बनाया हुआ है कि अमेरिका की मिसाइलें भी उसे भेद नहीं सकती। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान तेहरान से करीब 225 किलोमीटर दूर नतांज न्यूक्लियर प्लांट के पास पहाड़ों में सुरंगें बना रहा है। ये सुरंगें जमीन में 260 से 328 फीट तक गहरी हैं, यानी यहां अमेरिका का कोई बंकर बस्टर बम भी काम नहीं करेगा। यूरोप के भी कई देशों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह चुकी है कि ईरान परमाणु बम बनाने के इतने करीब पहुंच चुका है कि बहुत जल्द वो अपना पहला परमाणु बम टेस्ट भी कर सकता है। इसलिए एक साल बाद अगर ईरान ने एटम बम बना लिया है तो इजराइल उसे कैसे काउंटर करेगा। ईरान के मिसाइल रोकने में इजराइल फेल रहा है, उसके एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ईरान के मिसाइल के खिलाफ फूल प्रूफ सिस्टम की तरह काम नहीं कर पाए। इसलिए अगर ईरान ऐलान करता है कि उसने परमाणु बम बना लिया है तो समझ लीजिए कि पूरे इजराइल में परमाणु बम का सायरन बजने लगेगा, चाहे वो राजधानी तेल अवीव हो या फिर हाइफा या फिर कोई और इजरायली शहर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ईरान इससे 3 एटम बम बना सकता है। ईरान का यूरेनियम का स्टॉक 6 किलो 700 ग्राम से बढ़कर 128 किलो तक पहुंच गया है। एक परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक संवर्धन करना जरूरी है और दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 60% तक संवर्धन कर लिया है। अब परमाणु बम को लेकर ईरान वाले खतरे से इजराइल और अमेरिका का डर वाला मीटर रेड लेवल पर पहुंच गया है। इस कांटे पर इतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ड वॉर बनकर टूट सकता है। سیاست ما سیاست جنگ و ادامه تنش نیست اگرچه برای اون آمادگی داریم سیاست ما توقف درگیری ها هست و رسیدن به یک آتش بس عادلانه که مورد توافق مورد قبول و پذیرش مقاومت باشه
ईरान पहले 13 अप्रैल को और फिर 1 अक्टूबर को दिखा चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद 400 सेकंड के अंदर इसराइल पर जाकर तबाही मचा सकती है। ऐसे में ईरान का एटम बम या कहें कि उसके तमाम परमाणु ठिकाने फौरन तबाह कर दिए जाएं, यही इसराइल का फोकस होगा। अभी ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हुए हैं, लेकिन इनमें से 2 अहम साइट हैं। पहली जगह है नतांज और दूसरी जगह है फोडो। यहाँ है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट जहाँ ईरान सबसे ज्यादा गुणवत्ता के यूरेनियम संवर्धन करता है। इसराइल चाहेगा कि वो पहली फुर्सत में ईरान के इन परमाणु अड्डों को पहली ही स्ट्राइक में तबाह कर दे। ये वो जगह है जहाँ बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम तैयार किया जाता है। ये नतांज न्यूक्लियर साइट की 2002 की तस्वीर है। 2002 से 2020 तक इस साइट का ईरान ने बहुत विस्तार किया है। वहीं फोडो वाले न्यूक्लियर साइट की पहली सैटेलाइट तस्वीर 2009 में सामने आई थी। यहां भी 2002 से 2020 तक ईरान ने काफी काम आगे बढ़ाया है। दावा किया जाता है कि ईरान सबसे अधिक यही यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। अब तक ईरान की नीति साफ है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी इसे बार बार दोहरा चुके हैं, लेकिन अब हालात अलग हैं। अब दुश्मन सामने है और खतरा ईरान के परमाणु अड्डों को भी है। सवाल है कि क्या खामनेई अपनी नीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि खामनेई के सलाहकार ने ऐसा इशारा किया है कि अगर ईरान के अस्तित्व पर खतरा पैदा हुआ तो वो अपनी परमाणु नीति बदल सकते हैं। ईरान के पास अभी एटम बम है या नहीं, ये बात पुख्ता तौर पर अमेरिका भी नहीं जानता, लेकिन इसराइल के पास एटम बम है इससे कोई इंकार नहीं करता। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इसराइल के शांत रेगिस्तान में निगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है जहां ताकतवर हथियार बनाने के काम किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इसराइल के पास करीब 90 परमाणु बम हैं, जो पूरे पश्चिम एशिया को पिघली हुई रेत में तब्दील कर सकते हैं। गाजा में बमबारी के दौरान इसराइल के एक मंत्री ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की भी सलाह दी थी, जिसे बाद में नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। लेकिन इसी बयान से साफ हो जाता है कि इसराइल जिस बम को छुपाने की कोशिश कर रहा है वो भी दुनिया के लिए बड़ी तबाही की वजह बन सकता है, और अब ईरान को लेकर उसके विकल्प कम होते जा रहे हैं।